एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, विंटर सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपको ठंड से बचने के लिए, खुद के लिए अपना हेल्थ केयर जरूर करनी है, जो रूटीन में लेके आना है आपको। तो फ्रेंड्स, हर साल के मुताबिक इस साल भी ठंड बढ़ती ही जा रही है। इस साल की ठंड ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में आपको अपने बच्चों की और खुद की और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी केयर कैसे करनी है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों संग ये वीडियो शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, विंटर सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको खुद का और आपके फैमिली मेंबर का ध्यान कैसे रखना है और कैसे अपने आप को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड से बचाए रखना है, मैं ये कुछ टिप्स एंड रूल्स आपको आज मैं बताऊंगी। तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी शेयरिंग इक्विपमेंट है उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम हो चुका है शुरू, तो ऐसे में आपको अपने आप को कैसे बचाए रखना है तो मैं ये आज बताऊंगी, और छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखना है आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप टिप्स नंबर वन, आप उसे डेली ना नहलाएं, एक वार्म वाटर लें, उससे पोंछ के अपने बच्चे को साफ़ सुथरा रखें, इससे आपके बच्चे को कफ कोल्ड कम होगा। इसके अलावा सेकेंड फ्रेंड, आप दिन में 9 बजे से 5 बजे के बीच में आप कभी भी उसे जूस दें, जूस और वेजिटेबल सूप पिलाएं गरम गरम, इससे भी आपके बच्चे को ठंड से बचे रहने में हेल्प मिलेगी। और थर्ड फ्रेंड, आप बच्चे को विटामिन डी जरूर दें सर्दियों में, आप उसे धूप में 15 या 20 मिनट जरूर बिठाएं ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो। और इसके अलावा जो एक सीक्रेट मैं अपने बच्चों के लिए यूज करती हूँ जिससे ताकि उनको ठंड ना लगे, तो मैं वो आपके संग शेयर करूँगी। आपको अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वो टिप्स है, मैं सोने से पहले अपने बच्चों के हाथ पांव धुला के सबसे पहले मैंने मेथी दाना लिया, उसमें मैंने उसे सरसों के तेल में पका के ठंडा होने के बाद आप उसे एक बोतल में भर दीजिएगा मेरी तरह। और जब भी आप सोने को जाते हैं तो उससे पहले आप अपने बच्चे को उस तेल से पैरों के नीचे मालिश कीजिएगा, और अगर आपके बच्चे को कफ है तो उसके चेस्ट पे भी उसे थोड़ा सा तेल लेके हाथ में लगाएगा। हाँ, उसकी थोड़ी सी स्मेल स्ट्रॉन्ग है तो आप परफ्यूम वगैरह कुछ लगा लीजिएगा या फिर कुछ लोशन वगैरह, जिससे जिसको स्मेल की प्रॉब्लम होगी। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके बच्चों को जुखाम है, आपके बच्चों को कफ है, तो आप उसे पैरों में लगा के अच्छे से मालिश करके बच्चों को बिस्तर के अंदर सुला दीजिएगा। आप देखेंगे मॉर्निंग में उठ के आपके बच्चे को आराम है। आप डेली विंटर नाइट में ये कीजिएगा, आपके बच्चे कफ और कोल्ड से बचे रहेंगे, उन्हें सर्दी जुखाम नहीं लगेगा जल्दी से। और नेक्स्ट है, आप थोड़ा सा हल्दी दूध अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, भले ही वो ज़्यादा नहीं पीते होंगे, थोड़ी सी हल्दी लेके आप दूध में मिला के एक एक चुटकी हल्दी लेके उसे दूध में घोल के आप छोटे से कटोरे में या बाउल में उसे पिला दीजिएगा। किसी किसी के बच्चे नहीं पीते हैं, उसे खेल खेल में अनजाने में आप। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बच्चों को थोड़ा सा शहद और काली मिर्च ज़रूर चटाएं। अगर आपके बच्चे काली मिर्च नहीं खाते हैं तो आप ब्लैक पेपर की थोड़ी सी मात्रा हनी के साथ मिक्स करके आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके दें एक साथ में, या फिर आप हनी को दूध में घोल के भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को शहद मिला के काढ़ा भी पिला सकती हैं जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ किया हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
और इस तरह की नई नई वीडियो को देखने के लिए प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपको नई अपनी नई वीडियो के साथ, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ कुकिंग। तो तब तक के लिए बाय बाय।